कुंडलपुर की नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ चुका है। आचार्य पद पदारोहण महोत्सव में मात्र 3 दिन शेष हैं और अभी से हजारों की संख्या में भक्त पूरे परिवार के साथ आ चुके हैं और ऐतिहासिक महोत्सव के हर क्षण का आनंद उठा रहे हैं। दमोह की श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 16 अप्रैल को आचार्य पदारोहण महा महोत्सव को लेकर गुरु भक्त बड़े ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वहीं सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के दरबार में विराजमान लगभग 400 पिच्छियों के दर्शन करने आए मुजफ्फरनगर के विनीत जैन ने कहा कि हमें कुंडलपुर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस आत्मिक संतुष्टि भी होती है और अच्छा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा जी। हम 10 तारीख के आसपास आ गए थे यहाँ पे और उस दिन से एक दो चौकाबी में भी गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है बहुत मन को। महाराष्ट्र के एलोरा से पधारी जयश्री जयचंद पाटनी ने कहा कि आज हमारे पूरे परिवार ने पहली बार बड़े बाबा प्रभु आदिनाथ के दर्शन किए हैं। इनके दिव्य दर्शन देखकर मन तो तृप्त हो गया। लग रहा है कुंडलपुर पर यहाँ तो स्वर्ग बना है और आज यहाँ आकर लग रहा है मानव जन्म हमारा सफल हो गया। जैन कुल में आए और आज कुंडलपुर के पहली बार दर्शन करें, पहली बार दर्शन भी करें, साथ में इतने सारे महाराज जी माता जी के दर्शन करके हमारे नयन तो तृप्त हो गए। 400 पिच्छियों के दर्शन करने आए राजस्थान से पधारे गुरु भक्तों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। हम लोग पाली राजस्थान से आए हैं, हम लोग सब परिवार के साथ आए हैं। यहाँ पर आकर हमको सारे मुनि महाराज आरिका के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और इतना आनंद आया कि हम लोग उसका बखान भी नहीं कर सकते हैं। समय सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, निरापक मुनि सबके दर्शन करके बहुत 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 पूरे परिवार को अच्छा लगा। बहुत बड़े आयोजन होने जा रहा है और हम लोग सब उत्सुक उसको देखने के लिए और हम उसी की तैयारी को देखने के लिए सबसे आए हुए हैं। उससे भी भव्य होगा ये आयोजन। उस आयोजन में मैं भी आया था, उससे भव्य आयोजन लगेगा ऐसा लग रहा है। वहीं सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में तेंदुखेड़ा एवं दमोह से पधारे गुरु भक्तों ने कहा कि 16 अप्रैल को आचार्य पदारोहण महा महोत्सव को लेकर पूरे देश भर के भक्तों में बड़ा उत्साह है कि ये महा महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो। आज यहाँ पर आया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आचार्य श्री का संग पूर्वत जैसा समझ में आ रहा है। पूज्य निर्यापक समय सागर जी महाराज का पदारोहण के अवसर पर उसके 16 तारीख के पूर्व ही जो कार्यक्रम हो रहे हैं उससे लोगों में बहुत उत्साह है और आचार्य महाराज की पदारोहण की सबको बहुत उत्सुकता है। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य पूर्व अच्छे ढंग से संपन्न हो, ये वीर प्रभु से यही कामना करता हूं। भोपाल से अपने बेटी दामाद बच्चों के साथ यहां आया हूं। आने के पहले मेरे को डर जरूर लग रहा था यहां पर, कैसे चल पाऊंगा, कैसे यात्रा कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अपने पैरों पर घुटनों पर थोड़ा ताकत मिली कि मैं यहाँ के बड़े बाबू के दर्शन कर सका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पधारी शालिनी जैन ने कहा कि भावी आचार्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण महा महोत्सव बुंदेलखंड की पावन धरा कुंडलपुर में 16 अप्रैल को होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्य सागर जी महामुनिराज के लघु नंदन, भावी आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज जी का आचार्य पदारोहण 16 अप्रैल को बुंदेलखंड की अति पावन धरा कुंडलपुर में होने जा रहा, बड़े बाबा के दरबार में होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण आचार्य संघ शोभायमान होगा। 16 अप्रैल को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की पावनधरा पर 400 पिच्छियों के मंगल सानिध्य में आयोजित होने वाले आचार्य पदारोहण महा महोत्सव को लेकर देश भर के गुरु भक्त बेहद उत्साहित हैं। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।